दरअसल यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। इस दौरान मतदान में 2,28,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1,24,00,000 पुरुष हैं, 1,04,00,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके साथ ही मतदान के दौरान कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा, जिसके लिए थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी जैसी जरूरी चीजें, पर्याप्त व्यवस्था इसकी भी की गई है। मतदाताओं की सुरक्षा के लिए वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। '19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है वो सुनिश्चित की गई है, ताकि मतदाताओं को एक अच्छा अनुभव हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, हाथ धोने के लिए इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। तो यूपी चुनाव में मतदान शुरू होने से ठीक पहले आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने ऐलान किया है और अपना भी चुनावी दांव चल दिया है। तो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बाद आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी आखिरकार अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उन्नति विधान नाम दिया है। आज लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ और कई नेता जो मौजूद हैं, बड़े नाम हैं, मिलकर के घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों और युवाओं पर फोकस था। उनका ध्यान रखते हुए समाज के हर वर्ग के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा है, 20,00,000 नौकरी देने का वादा है, 12,00,000 खाली पदों को भरने का भी वादा है। इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत सरकार बनने पर किसानों से 2 किलो गोबर खरीदा जाएगा, 2 रुपए पर किलो ये गोबर खरीदा जाएगा। कांग्रेस इसी तरह की योजना छत्तीसगढ़ में चला रही है, जो काफी सुर्खियों में रही है। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20,00,000 सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था, उसमें से 12,00,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12,00,000 पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8,00,000 और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8,00,000 हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे।